बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा दूसरा लेक्चर है और पहले लेक्चर में हमने नज़म हम्द की पढ़ाई की थी और इमला के अल्फाज किए थे। वो आपने उम्मीद करती हूँ कि काम अपनी कॉपी के ऊपर भी कर लिया होगा और जो है उसकी पढ़ाई भी की होगी। तो आज हमारा जो है सेकेंड लेक्चर में हम लोग अल्फाज मायने करेंगे, तो आप लोग अपनी कॉपीज़ खोलें। जी, पहले भी आपको बताया, क्लास में भी आप लोग काम करते रहते हैं और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हमने काम कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, तारीख लिखेंगे, जमात का काम और दिन लिखेंगे, फिर हाशिया लगाएंगे और इसलाह का कॉलम वहाँ पे आपने उसमें इसलाह लिखना होता है। तो फिर सबक का नाम भी लिखेंगे और उसके बाद अल्फाज मायने शुरू करेंगे। हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं अल्फाज के मायने लिखिए। हमारा सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 1 हमारा इमला के अल्फाज से, सवाल नंबर 2 हमारा इमला के सही अल्फाज के मायने लिखिए। ये है मायने, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और मानी मीम अलिफ माँ लिख के नून छोटी नी मानी, उस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसमें अल्फाज और मायने ये दिए गए हैं। पहला हमारे पास लफ्ज़ है सहर, ठीक, उसका क्या मतलब होता है, सुबह। खतर, खतरा, ये वो अल्फाज जो हमने इस नज़म में पढ़े, अब हम उनके अल्फाज के मायने कर रहे हैं। दूसरे पे खतर, खतरा, बयाबान, अब बयाबान नहीं है, बयाबान है वीराना, ठीक है, खाली जगह जो होती है वीरानी जगह उसको बयाबान कहा जाता है। उसके बाद खंडर, उसका मतलब है तबाहशुदा इमारत। नंबर 3 पे अंगारे, सॉरी उसके आगे अंगारे, दहकता हुआ कोयला, यानी जो कोयला जिसमें आग जल रही होती है उसको अंगारे कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है शब, शब मतलब है रात। औसान, खता होना मतलब है डर जाना। कवि जिगर, कवि मजबूत को कहा जाता है, हिम्मत, कवि जिगर यानी मजबूत और हिम्मत वाला, इसका आप लोग मायने लिखेंगे हिम्मत। खौफ का मतलब होता है डर, वहम, शक, ये सारे अल्फाज मायने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 अल्फाज के मायने हैं। ये आपने अपनी कॉपियों के ऊपर खुशखत करके लिखने भी हैं और साथ साथ आपने इसको याद भी करना है। अब हम करेंगे सवाल नंबर 3 है हमारा अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। इसमें यहाँ पे अल्फाज दिए हुए हैं और इनके आपने इसमें हमने इसके उसी हम आवाज़ अल्फाज लिखने हैं। नज़र, तारे, मैदान, मैदान है असली वर्ड, नुक्ता नहीं होगा इस पर, घर, सफ़र, खंडर, सहर, आसमान, ये अल्फाज हैं। तो इसके हमने यहाँ पे मीनिंग लिखे हुए हैं। नज़र, खतर, तारे, सितारे, मैदान, बयाबान, यानी कि इसको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स कहा जाता है कि यानी आवाज़ इनकी एक जैसी निकले। घर, भर, आगे सफ़र है तो इसका क्या होगा, हशर। आप और भी इसके जैसे इसी वजन पे कोई और भी लफ्ज़ बन सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं। खंडर, नडर, आगे सहर है, सहर, सफ़र, आसमान, औसान, ये हमारे अल्फाज थे हम आवाज़ अल्फाज, इन अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज। और ये सारा काम जो है आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी के ऊपर करना है, कॉपीज़ को सही कवरिंग करना है आपने, कॉपीज़ आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और सारा काम आप लोगों ने कॉपी पे करना है और उसको साथ साथ याद भी करते रहना है। अब इसके साथ ही हम लोग अपनी किताब पर काम करते हैं। आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 4 खोलें। इसमें है आप लोगों का ये मारूजी सवालात दिए हुए हैं, इसको इंग्लिश में MCQs आप लोग कहते हैं, मारूजी सवालात। इसमें पहला है हमारे पास दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और ख़ाली जगह में लिखिए। इसमें हमारा पहला है जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाए वो डैश कहलाती है, नात, गज़ल, हम्द या मरसिया, तो वो हम्द कहलाती है। आप लोग इसको भरना होगा इस दायरे को। नंबर 2 पे है लफ्ज़ उजाले की ज़िद क्या है, ज़िद यानी उल्ट अल्फाज, अपोजिट वर्ड्स, ठीक है। इसमें पहला है रोशनी, अंधेरा, सुबह, खौफ, तो उजाले की ज़िद अंधेरा है। और इसके बाद है इस हम्द में शायर अपना डैश बयान कर रहे हैं, डर, बेखौफ होना, दुख या इरादा, तो इसमें जो शायर बयान कर रहे हैं वो अपना
बेखौफ होना। आपने जैसे कि पढ़ा कि उन्होंने कहा कि मैं बियाबान में हूँ, जंगलों में हूँ, कहीं पे भी हूँ, क्योंकि मैं नहीं डरता, क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। वो अपने बेखौफी को बयान कर रहे हैं कि खौफ नहीं होता, क्यों? क्योंकि खुदा मेरे साथ है। खुदा जिसके साथ भी हो, उसको जिसका भरोसा खुदा पर हो, वो किसी से नहीं डरता। इसके बाद है लफ्ज़ खंडर का मतलब डैश है, बुलंद वाला, शानदार, तबाहशुदा इमारत और दिल फरेब। तो इसमें खंडर का मतलब हमने लिखना है, तो वो तबाहशुदा इमारत को, तबाहशुदा यानी टूटी फूटी, बिल्कुल ख़त्म हुई हुई, उसको खंडर कहा जाता है। इसके बाद हमारा पांच पे है जिसका अल्लाह ताला पर यकीन हो वो डैश होता है, बहादुर, कम हिम्मत, कमज़ोर और बुज़दिल। तो जिसका अल्लाह पर यकीन होता है वो क्या होता है? वो बहादुर होता है। चाहिए तो इसमें आप लोगों ने बहादुर पे ये इसको पेंसिल से भरना है और उसको लिखना भी है इन्हीं अल्फाज को। अब जैसे यहाँ पे हम्द है इसमें पहला, तो आप लोग इसमें हम्द लिखेंगे, ठीक है। इन्हीं अल्फाज को आपने फिर इन खाली जगहों में फिल भी कर लेना है। आगे अंधेरा लिखा है, आप अंधेरा लिख दें, ठीक है, अंधेरा। इसी तरह से आपने बाकी जो हैं उनको भी इन खाली जगहों में फिल करना है। आगे लिखा हुआ है खुशखती, यहाँ पे हिदायत है रे की मदद से दाल लिखना सीखिए कि दाल कैसे लिखनी है। ये उन्होंने रे आपको बताया हुआ कि ऐसे लिखी जाती है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे ख़ुद भी लिखना है। आगे चलिए तो देखिए, यानी यहाँ से करके उसको से जब आप राउंड शेप में लेकर आते हैं, उसके बाद उसकी शक्ल जो नीचे से है वो रे की तरह होनी चाहिए, ठीक है, ऊपर से गोल और नीचे से रे की तरह। तो आपने भी इसको ऊपर किताब के ऊपर लिखने की कोशिश करनी है, कोशिश यानी कि इसको लिखना है किताब के ऊपर। ये वाला काम आप सिर्फ किताब पर ही करेंगे और ये वाला जो है इसको भी अपने किताब पर हल करना है। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और काम बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, जैसे ही काम आपको मिलता है डेट वाइज आपका काम होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।